नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति। मुख्य समाचारों के साथ मैं अरशाद अली। भारतीय किसान संघ द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चार ग्रुप समूह अनुसार सिंचाई पानी की मांग को लेकर 6 दिसंबर से मुख्य अभियंता कार्यालय हनुमानगढ़ के समक्ष आंदोलन आज भी जारी रहा। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने आज संगठन के साथ श्रम भवन नई दिल्ली में बैठक आयोजित की, जिसमें जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह चंदी, प्रांत उपाध्यक्ष सत्यनारायण गोदारा, प्रांत महामंत्री विनोद धारणिया, हनुमानगढ़ जिला मंत्री संजय गोदारा, बीकानेर जिला अध्यक्ष कैलाश जाजड़ा व जिला मंत्री शंभू सिंह उपस्थित रहे। साथ ही इलाके के जनप्रतिनिधि विधायक बलवीर सिंह लूत्रा, राम प्रताप कासनिया, विधायक बिहारी लाल बिश्नोई नोखा, विधायक संतोष बाबरी, धर्मेंद्र मोची, सुशील गोदारा, कैलाश मेघवाल, मंत्री अर्जुन राम संसदीय कार्य मंत्री, बीबीएमबी के चेयरमैन डी के शर्मा, गुरदीप साहपिनी, विधायक संगरिया, भाजपा किसान मोर्चा के बबू बहोलिया उपस्थित रहे। संगठन ने पुरजोर शब्दों में वर्तमान में डैम के राजस्थान के शेयर के आंकड़े रखे। आगामी नहरबंदी को देखते हुए सिंचाई पानी देने की मांग की, जिसे बीबीएम के चेयरमैन ने स्वीकार कर कहा कि चीफ हनुमानगढ़ अपने पानी की मांग भेजें तो हम देने के लिए तैयार हैं। जल शक्ति मंत्री ने तुरंत सिंचाई सचिव राजस्थान सरकार से फोन पर बात कर 17 तारीख को जल परामर्शदात्री की बैठक बुलाने के आदेश दिए तथा चीफ हनुमानगढ़ के बैठक में नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई कि चीफ आज इतना बड़ा हो गया क्या जो बैठक में आना उचित नहीं समझता। संगठन ने पंजाब को छोड़ा गया 6 MF पानी एवं BBM में राजस्थान का प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग पर मंत्री महोदय ने जल्दी ही संगठन के साथ बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अब किसानों के लगातार पानी मिलने का आश्वासन बीबीएमबी चेयरमैन ने दिया एवं कहा कि चीफ हनुमानगढ़ जितनी डिमांड देंगे हम पानी देने को तैयार हैं। 16 दिसंबर को हनुमानगढ़ में संगठन द्वारा बड़ी बैठक बुलाई गई है। वह चीफ को वार्ता से अवगत कराकर 17 दिसंबर की बैठक के वरीयता क्रम तय करने के लिए आग्रह किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के संघर्ष से किसानों को बड़ी सफलता मिली है, आगे भी किसान हित में संघर्ष जारी रखेगा। मैं रेनू शर्मा बाइक राइडर अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सपोर्ट करती हूँ। आप लोग अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें और इसके वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।